हाय गाइस, अगर आपको भी ऐसे हेयर कर्ल्स करने सीखने हैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सो ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने हेयर्स कैसे कर्ल्स करती हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे वैसे नेचुरली स्ट्रेट हेयर है जिसको मैं अच्छे से कोम कर लूँगी एंड आपको अच्छी तरीके से अपने हेयर को सुलझा लेना है। फिर आपको जहाँ से पार्टीशन करना आप वहाँ से कर लीजिए और ऐसे दो पार्ट में हेयर डिवाइड कर लीजिए। फिर आपको पीछे से हेयर लेने हैं, पीछे से आपको हेयर लेके उसके सेक्शंस निकालने हैं और बाकी हेयर को टाई कर लेना है। और मैं हमेशा स्ट्रेटनर से ही बाल्स कर्ल करती हूँ, मुझे स्ट्रेटनर से बहुत ईजी जाता है हेयर कर्ल्स करने के लिए। सो मैं पीछे का सेक्शन कर्ल्स करूँगी सबसे पहले, और आपको पीछे के सेक्शन से ही सामने आना है। जब आप पीछे के सेक्शन कर्ल करोगे तो आपको एक लास्ट में बहुत स्मॉल स्मॉल कर्ल्स करने हैं, आपको एकदम ऊपर से कर्ल्स नहीं करना है। फिर आप धीरे धीरे जैसे नीचे आते जाओगे सामने की तरफ, तब आपको ऊपर से कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। तो अभी मैं पीछे के हेयर कर्ल्स कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नीचे नीचे के हेयर्स कर्ल्स कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं आगे आते जाऊंगी, वैसे वैसे मैं अपने हेयर्स को थोड़े ऊपर से कर्ल्स करने लगूंगी। इससे बहुत ही वेवी टाइप्स के कर्ल्स आपके दिखते हैं और बहुत सुंदर लुक आता है। अब मैं सामने आ गई हूँ तो मैं अब ऊपर से कर्ल्स करना स्टार्ट करूंगी, जिससे लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये वेवी टाइप्स दिखते हैं, और इसी से हेयर्स कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। अब मैं जब फ्रंट का सेक्शन कर्ल्स करूँगी तो मैं और ऊपर से उसको कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी। और आपको हमेशा आउटडोर कर्ल्स ही करने हैं, इंडोर कर्ल्स में उतना अच्छा लुक नहीं आता है। जैसे जैसे आप सामने आते जाओगे वैसे वैसे आपको ऊपर से कर्ल्स करना स्टार्ट कर देना है। सो अब मैंने सामने आ चुकी हूँ तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर से कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लुक आएगा। अगर आप आउटडोर कर्ल्स करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। एक एक करके मैंने सारे सेक्शन इजीली कर्ल्स कर दिए हैं, और स्ट्रेटनर से कर्ल्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। इतने अच्छे से आप कर्लर से भी स्ट्रेट नहीं कर्ल्स नहीं कर सकते जितना अच्छा हेयर स्ट्रेटनर से कर्ल्स हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और इसे धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाना है। आपको एकदम से स्ट्रेटनर से कर्ल्स नहीं करना। फ्रंट का जब सेक्शन है ये मैं एकदम ऊपर से कर्ल्स करना स्टार्ट करूँगी, और इसको बहुत ही आपको धीरे धीरे से नीचे लाना है। अगर आप एकदम फास्ट ला लोगे नीचे तो हेयर कर्ल्स भी नहीं होंगे और लॉन्ग लास्टिंग में नहीं रहेंगे। ये रहा सामने का कर्ल, आप देखिए ऊपर से ऐसे नीचे 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 कर्ल्स आ रहे हैं, तो ये लुक बहुत अच्छा दिखता है। एंड ये रहा वन साइड का कर्ल्स लुक पूरा। ऐसे ही मैंने सेकंड तरफ भी कर लिया है। अब इसे हम कोम से इजीली ओपन कर लेंगे, हम अच्छे से अपने हेयर को कोम कर लेंगे ताकि वो कर्ल्स थोड़े से ओपन हो जाएं, और ओपन होने के बाद ये बहुत ही प्यारे लुक में दिखाई देते हैं। एंड ये कर्ल्स वेस्टर्न ट्रेडिशनल सारे ड्रेसेस पे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पीछे से ये रहा इसका लुक।